और यूट्यूब चैनल हैदराबाद वर्ड जी दोस्तों, ये कुछ नए पेयर्स में लेके आया हूँ सज्जू भाई से। ठीक है दोस्तों, और हमने कहा चले यहाँ पे भी कोई ब्रीडिंग वगैरह लेके देखते हैं क्या हिसाब है, कैसी आती है, कि जिसकी और यहाँ की अलग अलग जो है पता चल जाएगी। और ये कुछ खाने वगैरह भी बनाए थे मैंने, ये जो पतली पतली लकड़ियाँ या तख्ते टाइप के जो है ना, ईंटों के ऊपर रख के खाने बनाए। ठीक है, आप लोग भी इसे बना सकते हैं, अभी ऊपर और बनाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे चार पेयर छोड़े हुए, एक पेयर तो हमारा पुराना है दैयड़ और कास्नी वाला, ये जो अंडे फर्टाइल नहीं कर रहा था नीचे, मतलब नहीं बैठ रही थी ठीक से, तो इसको यहीं छोड़ दिया है, इसकी जगह एक दूसरा पेयर। चार पेयर मैं कल लेके आया हूँ वहाँ से, तो उन चारों का भी शौक कराऊँगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, पहले इनको दिखाता हूँ ये क्या क्या है। जी दोस्तों, जो सामने देख रहे हैं ये चपड़े बोल रहे हैं या दैयड़ बोल रहे हैं, हम तो दैयड़ बोलते हैं। ये जो हमारी जो दैयड़ है पुरानी छोटी वाली, ये इसकी माँ है। ठीक है, इसकी माँ है, ये कभी तक डर रहे हैं नहीं जगाएं। और ये साहबदार जो है ये इसका बाप है, ये पेयर है, ये इन्हीं का बच्चा है। अब देखें वर्किंग का तरीका, देखें आँख वाइट है मादा की, नर की आँख जो है वो छापदारों वाली है, अनारी आँख। अब यही कलर तैयड़ ने मारा है, मगर आँख जो है वो छापदारों वाली करी है इसने। देख रहे हैं, एक पेयर ये है कल्सरों का। ठीक है दोस्तों, एक पेयर ये मोती वाला नर है, उसके साथ पट्टी वाली मादी लगी है, बहुत ही जो है रिजल्टेड जोड़ा है ये, ये भी बहुत प्यारा पेयर है। चौथा पेयर जो नीचे मैंने केज में शिफ्ट किया है, वो क्यों किया है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये चार पेयर हैं। ठीक है दोस्तों, और ये खाने इस तरीके से बनाए मैंने, आप लोग भी बना सकते हैं, और ऊपर बनाऊंगा अभी इंशाल्लाह इसके। ठीक है, अभी आहिस्ता सेट होंगे, कल ही ला के डाले हैं, ऊपर प्लास्टिक वगैरह कर दिए ताकि बारिश वगैरह आए तो कोई इशू ना हो, सारे इंतज़ाम जो है। ठीक है दोस्तों, तो ये पेयर्स हैं, इनका इंशाल्लाह शौक कराऊंगा अलग से हाथ में। तो चलिए वाला जोड़े की तरफ चलते हैं जो नीचे केज में। जी दोस्तों, तो एक पेयर ये रहा, इसको मैंने केज में डाला है। केज में क्यों डाला है ये भी बता दूँ, ये सज्जू भाई की बहुत पुरानी बाजियों वाली मादा है। ठीक है, ये बहुत ही आउट क्लास मादा है, और इसकी एक आँख जो है वो उड़ते उड़ते बाज ने फाड़ दी थी। ठीक है, ये पेयर इसके बच्चे माशाल्लाह बहुत रिजल्टेड हैं। तो ये चार पेयर नए लेके आए हैं यहाँ पे, हमारे कास्नी और दैयड़ का जोड़ा था वो मैंने ऊपर ही डाल दिया है। वन ये देखें, ये आँख जो है फाड़ी हुई है, बाकी जोड़ा क्लासिक है, ब्रीड करता है, बच्चे भी बहुत प्यारे उड़ते हैं, तो इसलिए इसको केज में डाला है ताकि इसकी प्रॉपर केयर हो सके। ठीक है, आँख इसकी शुरू से ही ऐसी है जब ये पट्टी थी, और माशाल्लाह वहाँ पे भी ब्रीड करती थी, यहाँ पे भी इंशाल्लाह ब्रीड करेगी। ठीक है दोस्तों, प्रोग्रेस भी आपको इंशाल्लाह बहुत ही जल्द दिखाऊंगा मैं, अभी और बच्चे वगैरह निकल आए तो प्रोग्रेस दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सबको पेयर पसंद आए होंगे, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।